Hello students, today we will discuss exercise 8.4 and question number 5. 8.4 and question number 5. First we take LHS, cosec theta, minus cot theta, whole square. This we can write 1 upon sin theta, cos theta, upon sin theta, whole square. Now what is the LCM? Sin theta 1 minus cos theta. ऊपर आपका हो गया 1 minus cos theta का whole square और अपोर में आपका हो गया sin square theta. इसे क्या लिख सकते हैं? This we can write 1 minus cos theta 1 minus cos theta. But this is 1 minus cos square theta. तो आप देखें ये 1 का स्क्वायर हो गया. This we can write square of 1. This we can write square of cos theta. तो आपकी आइडेंटिटी हो गई है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस. इसे क्या ले सकते हैं हम? 1 माइनस cos theta 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta or 1 minus cos theta. 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, that's it. 1 minus cos theta or 1 plus cos theta. This is RHS. तो ये आप समझ होंगे, ये आप यहां रखेंगे नोट डाउन. Now see me. Now we see second part. We take LHS, cosine upon 1 plus sine A, 1 plus sine A upon cos A. पहले हो गया 1 plus sin a cos a. LCM 1 plus sin a 1 plus sin a कैंसिल हो जाएगा. cos a cos a 1 square a और ये आपका हो जाएगा 1 plus sin a का होल स्क्वायर. आप देखें 1 square a इसको ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर और 2 sin a. ये आपका हो गया 1 plus sin a into cos a. तो आप देखें sin स्क्वायर cos स्क्वायर आपका हो गया 1 plus 1 प्लस 2 साइन है. अपॉन में आप देखें 1 प्लस साइन है एंड कॉस ए. क्लियर हो गया? 1 अपॉन कितना हो गया? 2 अपॉन आ जाएगा. इसमें से क्या
अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव का जो प्रेशर कुकर होगा वो आपका हो गया सेट ए। दिस इज आवर प्रोसेस। नोट डाउन थर्ड पार्ट मीटिंग एलएचएस। एलएचएस हमारा है पेंटिकल क्या लिख सकते हैं पेंटिकल को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब आप देखें इसको हमने लिखा वही सेम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा की मल्टीप्लाई वर्सेस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा cos theta minus sin theta upon cos theta। क्लियर। अब sin theta की मल्टीप्लाई sin theta से हो जाएगी तो आपका हो जाएगा sin square theta और cos theta की मल्टीप्लाई से cos theta और ये हमारा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे ही यहां पर रहेगा कॉस थीटा की कॉस थीटा से आपकी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखें ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहां पे कॉस थीटा माइनस इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस कॉमन लिया हमने इसमें ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है यार माइनस कॉमन लिया ये प्लस का माइनस का क्या हो गया प्लस और इसका क्या हो गया माइनस। अब ये आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस। इस क्लियर। नोट डाउन। इसमें आप देखेंगे एलसीएम आ गया हमारा
एलसीएम आ गया cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। cos थीटा ये कैंसिल हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो गया, बचा क्या sin थीटा की sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई sin 2 थीटा, ऐसे ही उधर आ जाएगा आपका cos 2 थीटा। अब आप देखें इसको ओपन करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर अपॉन में आपका cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये क्या हो गया आपका कैंसिल। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos इसमें आप देखें ये कैसे आया है, हमारी आइडेंटिटी वाली आइडेंटिटी यूज हुई है यहां पे, जो आइडेंटिटी यूज की है हमने वो ये यूज की है, ये ध्यान रखें आइडेंटिटी का। क्लियर, अभी आपका हो गया 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, इसका क्या हो गया cosec, उल्टा इसका क्या हो गया sec थीटा प्लस 1। वही प्रूव करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, वन को तो लिख लिया, इसको लिख दिया sec थीटा इनटू cosec, sec थीटा इनटू cosec थीटा दिस इज RHS नोट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ गए, एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहां पे sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा को हमने इसको ओपन किया है, x क्यू माइनस y क्यू वाली आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट